ये रिएक्शन आपका हुआ था हाइड्रोकार्बन अल्केन के अंदर, थोड़ा सा अलग था, मैं दोनों बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। रिएक्शन नंबर 8, इसका नाम है डी कार्बो ऑक्सीलेशन। कुछ याद आया? डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन में क्या होता है देखो, डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन में या तो रिमूव होता है कार्बोनेट यानी CO3 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी रिमूव होते हैं उस रिएक्शन को डी कार्बो ऑक्सीलेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ कार्बोनेट या रिमूवल ऑफ CO2, उसका नाम क्या है? डी कार्बो ऑक्सीलेशन। आपने जो पढ़ा था 11th के अंदर वो था सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, याद है आपको? इसमें आप थोड़ा सा डालते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड और थोड़ा सा डालते थे कैल्शियम ऑक्साइड, याद है आपको? रिएक्शन क्या होती थी? यहां से ये जो दिख रहा है NaCOO, NaO क्या बनाता है? Na2CO3। तो Na2CO3 गया मतलब CO3 गया ना कार्बोनेट, ये CO3 गया ना, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है। और दूसरा नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट का? ये ऐसा होता है काम अगर सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। अब बचा गया RH, बोलो क्या बनाएगा? RH मतलब कौन? अल्केन्स। क्या बन गए? अल्केन्स। बस अब डिफरेंस क्या है यहां पर, हम सोडियम सॉल्ट नहीं ले रहे हैं बल्कि हम डायरेक्ट ले रहे हैं एसिड, और सेम NaOH ले रहे हैं और कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा था हमने? सोडा लाइम। लड़कों को याद नहीं रहता क्या? सोडा लाइम। रिएक्शन सेम है, यहां से COOHNaO चला जाएगा, ये Na2 जाता था, ये क्या जाएगा? NaHCO3। समझा? NaHCO3, NaHCO3। बचा गया RH मतलब अगेन अल्केन। तो चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लो या सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लो, आपको क्या मिलने वाला है? अल्केन। सिर्फ बाय प्रोडक्ट ऊपर कौन है? वॉशिंग सोडा। ये कौन है? बेकिंग सोडा। कौन है ये? सोडियम बाय कार्बोनेट नाम है इसका। क्या नाम है इसका? और वो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एग्जाम्पल CH3COOH NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। अगेन ये पूरा पार्ट यहां से और ये पूरा चला जाएगा H यहां पर, CH3 और H CH4 का मतलब कौन? मीथेन प्लस NaHCO3। बाद में ये ब्रेक होकर जा सकता है NaOH और CO2। ठीक है, चलो समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, एकदम सिंपल। आपको याद रखना है, आपको अगर अल्केन एक कार्बन वाला अल्केन चाहिए तो आपको एसिड दो कार्बन वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन तो क्या बन के जा रहा? CO2 मतलब CO3। समझा गया? अरे भाई जितने कार्बन वाला एसिड आप लेंगे तो एक कार्बन कम होने वाला है ना, तो आप डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया डायरेक्ट CH3CH2CH2COOH, ब्यूट्रिक एसिड, चार कार्बन वाला एसिड। अपने को पता है तीन कार्बन वाला अल्केन बनेगा CH3CH2CH3। समझा? जितने कार्बन वाला एसिड उससे एक कार्बन कम वाला अल्केन बनेगा। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल।